कितना बड़ा? 30 प्लस पानी के लेके 40। गंदा फंसा था यार। और यहाँ पे हवा जो है इतना तेज है लग रहा है कि मुझे ही उड़ा के ले जाएगा। रोलोगन के प्रणाम करे तनी गोर लगाता नहीं। द रीजन वाई शिलोंग इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप नजारा देखिए फिर समझिएगा। भाई इन लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगे। मैं बात कर रहा था इनसे 20 से 25 मिनट मेरे को लगा है। तो अभी हमें उधर जाना है उस तरफ। राम 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 राम। तो गाइस हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और अभी अरिंदम भाई गया था उस आंटी के पास पूछने के लिए। तू गया था, क्या बोला वो? सीधा जाना है ना। ये लेटलम जाने वाला रास्ता में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सीधा ना? थैंक यू भाई, चलो सीधा। गंदा फंसा था यार यहाँ पे। गूगल का ऊपर ट्रस्ट मत करना कभी। हाँ, डोंट ट्रस्ट गूगल व्हेन यू आर इन हिल्स। कितना किलोमीटर है? 27 किलोमीटर हो गया। और चलो तो भाई, शिलोंग की गलियों में हम लोग हमेशा भटक जाते हैं पता नहीं क्यों, और यहाँ पे गूगल माता भी हमारा साथ नहीं देती। और यहाँ पे हवा जो है इतना तेज है लग रहा है कि मुझे ही उड़ा के ले जाएगा, इतना तेज हवा बह रहा है यार, क्या बोलूँ। बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है इस कंडीशंस में राइड करना। एक तो हवा इतना तेज आ रहा है, बस ये रास्ता आप देखिए इतना सही नज़ारा है ना। नॉन्ग आगे ना, ओके स्ट्रेट ना, ओके थैंक यू सो मच। जो भी कहो, शिलोंग के लोकल्स काफी हेल्पफुल है। अब द्वार आसपास आ रही बरार, करना इंकार बार बार देना साथ। फाइनली 6-6.5 घंटे का हार्डवर्क करने के बाद हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचे। देखिए इन लोगों को, हेलो। यहाँ के जो लोकल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। जब मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि नॉजरोंग जाने का रास्ता कहाँ है, और गूगल माता भी हमारा साथ देना छोड़ चुकी थी, तब लोकल्स लोगों का सहारा से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एंड जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा गोपड़ो में चार्ज बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी नहीं था, ये 0% होके गोपड़ो बंद हो चुका था। और मैंने अपना स्कूटी में गोपड़ो को चार्ज में दिया था। गोपड़ो चार्ज करने के बाद वापस हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। एंड जब मैं आ रहा था ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो गाड़ियाँ देख के बाय दे रहे थे हम लोग को। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, काश मैं क्लिप्स वो सब दिखा पाता आपको। मतलब खुद को बुरा लग रहा है कि वो सब क्लिप आपको दिखा नहीं पाया। ओ भाई क्या लिया है? नूडल्स। वाह सही है। कितना बड़ा? 30 प्लस पानी के लेके 40। पानी को लेके 40, काफ़ी सस्ता है यार यहाँ पे। ठीक है, 40-30 तो छूता ही है। अच्छा सही है। सब व्लॉगिंग में बिजी है, वहाँ जाना है, यहाँ पे काम चल रहा है, ये भी बिजी है। और हम लोग को अभी आगे जाना है उस तरफ में। और सच में यार, कोई कोई क्या क्या बोल रहा था हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 लोकल्स लोग ऐसा मिल गए थे कि मतलब उन लोग का लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या बोल रहे थे, मतलब क्या बोलना क्या चाहते थे हमको, वो एक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ के लोकल्स सपोर्ट तो करते हैं, बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का इशू थोड़ा सा आपको होगा अगर आप आते हैं फर्स्ट टाइम। तो अगर शिलोंग में रहने वाले कोई अगर जान पहचान के आपके हैं तो उनका साथ आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे जब लोगों से बात कर रहा था तो काफ़ी लोगों का भाषा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा माथा के ऊपर से जा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग बोलना क्या चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो अभी आप ये चेक करें। चेक द व्यू ब्रो, चेक द व्यू। ओ ये सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे। द रीज़न वाई शिलोंग इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप नज़ारा देखिए फिर समझिएगा। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इंकार। ओ भाई पहाड़ों में मैगी खा के कैसा लगता है? खाया नहीं अभी तक, लेकिन खा के अच्छा लगेगा। सच बोलूं तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। क्या हो रहा है? गाड़ फट रहा है। सच में यार मेरे को थोड़ा हाइट फोबिया है, अगर आप लोग को पता है तो। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बैंड बज रहा है मेरा।
कहाँ जा रहा है? अरे भाई वहाँ जाएगा, मेन वो है। अरे भाई हम नीचे कैसे जाएगा? बाप रे ऐसा चीज है, दिमाग हिल गया यार। तो अभी हमें उधर जाना है उस तरफ, और मेरा बैंड बज रहा है, मैं कैसे जाऊंगा मैं आपको क्या ही बताऊं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, राम 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 राम। और गौरव भाई वहाँ पे फोटो शूट कर रहा है। अनुराग भाई मेरा भी दो तीन तो फोटो खींच देना। तो अभी मैं भी अपना फोटो शूट और कुछ रील्स बना लेता हूँ, फिर उसे आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दिया गया है, काइंडली एक बार जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। तो हमें जाना है उस तरफ। हम लोग चले नीचे। हाँ भाई, ब्लॉक के चक्कर में गिरना नहीं चाहता, यहाँ से गिरा तो भगवान का पास सीधा। कल शादी में हम लोग गए थे और रात को घर पहुँचते पहुँचते लगभग 2 बज गया, ठीक है। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आ भी पाऊँगा, और यहाँ पे आने का प्लान था अरिंदम का। अब सोच रहा हूँ अगर मैं नहीं आया होता ना तो काफ़ी रिग्रेट होता यार। गौरव भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत सही। एक थकान उकान जितना था ना सब चला गया। कहाँ चला गया ये बताओ? पहाड़ों में? पहाड़ वादियों में? वादियों में खो गया। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ ये साउंड सुनिए। भाई आवाज सुन रहे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, रात को सुनने से अकेले में डर लगेगा, डर। सीधा नीचे जाएगा भाई, रात को कोई ना आए। भाई कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्या फील है ना, ये फीलिंग कुछ डिफरेंट टाइप का फीलिंग है। मुझे मिला भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। अरे रुक जा यार, उड़ा देगा क्या ये? बढ़िया था गुरु। दोस्तों हो सकता है कि मेरा वॉइस आपको क्लियरली सुनाई ना दे, यहाँ पे जो वाइब है इसका जो फील है ना वो अलग ही लेवल का फील है। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, और हाँ गूगल माता के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जब आते हैं तो गूगल माता को फॉलो करके आइए, वो आपको एग्जैक्टली इसी जगह पे पहुँचा देगी। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत घुमाएगी ज़रूर, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। देखो गाइस बादल को मैं छू सकता हूँ, इतना सामने है मेरा। वाह, रात के 2 बज रहे थे ठीक है, इसने मुझे टेक्स्ट करे, हम लोग सुबह 5 बजे निकलने वाले थे, इस बंदे ने देख लो इसको, इस बंदे ने मुझे टेक्स्ट करे 2 बजे रात को कि मैं नहीं जा पाऊंगा, कि मैं शादी में आया हूँ, मैं यहाँ से निकलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगा, ठीक है इसने ऐसा कहा। मैंने कहा, मैं गुस्से में एकदम बोला छोड़ो ओके, ऐसे मैंने बोल दिया खत्म। फिर मतलब इस जगह को से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा, तो मतलब एक लगने लगा कि नहीं अब मेरे को जाना है। फिर मैंने एक लास्ट टाइम इसको कॉल करे, मैंने इसको बोले कि अगर तू नहीं आता है तो मैं कल सुबह निकल जाऊँगा, बाद में मत बोलिए कि तेरे को ख़राब लगा है, ठीक है। नहीं बोलता है, नहीं नहीं मैं भी जाऊँगा, रुक जा पक्का, हम बोलता है मैं आ जाऊँगा ऐसा वैसा। फिर तब ने मैंने ग्रुप में टैक्स करे, तब अरिंदम ने रिप्लाई करके, मेरे को लगा था ये नहीं जाएगा बट ये भी जा रहा था। उसके बाद तो सीधी ऐसा था ना, कल का कुछ सीन ऐसा था कि मतलब हम लोग वहाँ पे ऐसा फंसे थे कि हम लोग का निकलना मुश्किल था, क्या बहाना करके हम लोग आए, ऑफिस का कोई स्टाफ देखेगा तो उसको मालूम चल जाएगा। बट जो भी था जैसा था, मतलब नहीं आना आना उन सबको हटा के अगर देखा जाए ये जगह, तो इस भाई के चैनल से मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ आप सभी को, रोवा लोगन के प्रणाम करे तनी, गौर लगा तनी। दोस्तों तो इसका एड्रेस वगैरह जो भी है मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आना है तो मत आना है तो आइए। मैं खुद मांग रहा हूँ और इसको रिपोर्ट दे अकाउंट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो जोक सपाट, प्लीज सब्सक्राइब टू देयर चैनल, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अच्छा से ग्रो कर रहे हैं। भाई कुछ बोल लो। बस ऐसे प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं डाले बट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उदेश भाई का तो आपका ब्लॉग देखते ही हो, तो
बस आगे कुछ बोलने का आगे पर क्या बात है, बाकी घूमो फिरो इससे मोक्ष मिलता है बस। और उदेश भाई को तो मालूम है वो कितने अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। क्या आईएस आईएस के साथ मैं क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चलो गाइस व्लॉग बनाते बनाते इतना भूख लगा है कि क्या बोलूं। छोटू एक मैगी दो ना। बा भाई तुम कब मैगी बेचना शुरू कर दिया? छोटू एक मैगी और एक मैगी दो ना। नाम भी छोटू है। बहुत सही काम कर रहे हो भाई। अरे गौरव भाई सुन ना, कितना टाइम लगेगा इन लोग को समझाने के लिए कि मैगी चाहिए? 20 से 25 फीट ना। अच्छा मतलब मैगी वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा था क्या इन लोग को? भाई इन लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम लगे मेरे को, मैं बात कर रहा था इनसे 20 से 25 मिनट मेरे को लगा है। दादा भूख लग से इन लोगों को पता नहीं क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये लोग हिंदी बोलने वाले से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, वो हो सकता है ना कारण, क्योंकि विलेज एरिया है ना ये। ये तो एक रीज़न हो सकता है। हमारे छोटू भाई के तरफ से बनाया हुआ मैगी जिसका पैसा यही देंगे। कब हुआ ये? अभी हुआ। जिसका पैसा यही देंगे वो हम लोग खा लेते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, कच्चे भी खा लेंगे। अच्छा कच्चे भी खा लेंगे। खा लो खा लो। देखो इन्हें खाना मिला। मिड डे मील। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में छो दिया। ऑलरेडी दोस्तों, तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा मोटो व्लॉग कैटेगरी में घुसूं, और लाहे मैं और बहुत सारे ट्रिप्स करने वाला हूं और बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं, उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के इस शानदार से व्लॉग में इतना ही था। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा सुबह।